करण और अभिजीत के बदले पैनलिस्ट प्रतीक को देना चाहते हैं टिकट टू फिनाले। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में वीकेंड का वार के दौरान शो के होस्ट सलमान खान ने घर में आए पैनलिस्ट्स को ये मौका दिया कि वो वीआईपी सदस्यों के बदले नॉन वीआईपी सदस्यों में से किसे टिकट टू फिनाले का हकदार मानते हैं ये उन्हें बताना था। और उसके लिए सलमान खान ने पैनलिस्ट को एक टास्क दिया और इस टास्क में उन्हें वीआईपी सदस्यों की तस्वीर फाड़कर उस सदस्य का नाम लेना था जिसे वो टिकट टू फिनाले का हकदार मानते हैं। कश्मीरा ने करण की तस्वीर फाड़ी और प्रतीक का नाम लिया। दिव्या ने शमिता की तस्वीर फाड़ी, निशांत का नाम लिया। नेहा ने अभिजीत की तस्वीर फाड़ी और प्रतीक का नाम लिया। विशाल ने अभिजीत की तस्वीर फाड़ी और देवोलीना का नाम लिया। देविना बैनर्जी ने भी अभिजीत की ही तस्वीर फाड़ी और प्रतीक का नाम लिया। गीता कपूर ने राखी को छोड़कर सबकी तस्वीर फाड़ी और निशांत का नाम लिया। वहीं राहुल महाजन ने करण की तस्वीर फाड़ी लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। और अगर देखा जाए तो टास्क के दौरान सबसे ज्यादा यानी 4 बार अभिजीत की तस्वीर फाड़ी गई और 3 बार करण की। और टिकट टू फिनाले पाने के हकदार के तौर पर सबसे अधिक बार यानी 3 बार प्रतीक का नाम लिया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि घर में पैनलिस्ट बनकर आए मेहमानों ने वीआईपी मेंबर्स के बदले प्रतीक को टिकट टू फिनाले का हकदार माना है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।